देखिए, मैं तो सिर्फ ये आज तो इतना कहूँगी कि कुदरत का असूल है कि सच जितनी चाहे देर से सामने आए लेकिन सच सामने आता है। वो कहते हैं ना कि ट्रूथ विल प्रिवेल एंड फॉल्सहुड इज बाउंड टू पेरिश। तो सच अल्लाह ताला एक ना एक दिन सामने लाता है और झूठ जो है उसको मिट जाना होता है। तो इंशाअल्लाह ताला ये होगा ज़रूर, मुझे अल्लाह ताला पर पूरा भरोसा है। और जब फैसला होगा उसके बाद मैं अपने केस पे आपसे बात करूँगी, मैडम खान वो वाली बातें भी करूँगी जो पिछले 5 साल जब से ये केस 2017 से चल रहा है जो मैं नहीं की, मैं अब करूंगी इंशाल्लाह जी। मैडम खान साहब ने जो जज साहिबा के हवाले से अल्फाज इस्तेमाल किए और इस्लामाबाद के सीनियर पुलिस अफसरान के हवाले से, हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ जो दहशत गर्दी की दफात की उसको खारिज करके जो दीगर दफात है उस पर केस चलाने का हुक्म दिया, उस पर कोई आप कमेंट करना? देखिए, उन पर जो भी दफ़ा लगे, चाहे वो दहशत गर्दी की हो या वो तौहीन अदालत की हो या वो एक जज को ललकारने की हो, उसको डराने की हो, उसको धमकाने की हो, उन पर जो भी दफ़ा लगाई जाए वो हर दफ़ा में कन्विक्ट होते हैं, क्योंकि वो ये पूरी दुनिया के सामने कर चुके हैं। इसको साबित करने की ज़रूरत नहीं है, वो एक बुली है और उसका उसने तरीका ये अपनाया हुआ है कि जहाँ पर उसकी उसके ऊपर मुश्किल आती है उसका तरीका ये है कि उसको ललकारो, उसको धमकाओ, उसको डराओ और अपना रास्ता साफ करो। तो ये चीज़ अदालतों को डिस्करेज करनी चाहिए, क्योंकि ना ये मुल्क के लिए अच्छी है, ना ये मुल्क के मुस्तकबिल के लिए अच्छी है, ना ये कौम के लिए अच्छी है, ना ये इदारों के लिए अच्छी है। बताइए, इमरान खान मिस्टर एक्स और वाई की बात कर रहे हैं, उनकी बयानी में फिर एक एग्रेशन आ गया, क्या मियां साहब की तरह ये एग्रेशन कुछ मुफाहमत के तहत खत्म हो जाएगा या रहेगा? आप क्या फरमा रहे हैं? ये पूछ रहा था कि चकवाल गए थे कल, आपने कहा कि चकवाल में खड़े होकर उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े याद आई, तो फिर बेचैनी भी लगी, कोई फ्रस्ट्रेशन भी दिखाई दी इमरान खान साहब की, तो ये क्या वजह है कि वो चकवाल पहुंचे तो फिर वो जो खामोशी इख्तियार की थी वो दोबारा जो है उसमें तेजी आ गई? तो ये चकवाल की जमीन का कोई पानी था इस किस्म का जिस वजह से उनको आर्मी चीफ की तैनाती बड़े जोर से याद आई है? नहीं नहीं, वो ज़मीन का पानी नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग जो उनके स्टेज पे भी बैठे हुए थे वो वाला नेक्सस है, और मैंने कल अपनी ट्वीट में वो कह भी दिया था। लेकिन देखें, चकवाल के जलसे के अंदर कुछ बातें बहुत प्रोमिनेंट थी। मैं इमरान खान के बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल समझती हूँ कि वो नॉन इशू है, वो एक ऐसा इशू है जिसको हमें सबको डिस्कार्ड करके पाकिस्तान के रियल इशूज़ पर फोकस करना चाहिए। हाउ एवर, वो बहरूपिए की जो जो मुनाफकत है ना, उसको पाकिस्तान की कौम के सामने एक्सपोज करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो कल मैंने कुछ चीज़ें नोट की, मैं उस अजाब से, उनकी जो तकरीर है उसको सुनने के अजाब से गुज़रना पसंद नहीं करती, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि वो इन्होंने अभी जो फरमाया कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई खौफ के बुत तोड़ दो, क्या अपने लोगों को वो कह रहे थे कि खौफ के बुत तोड़ दो और ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो जाओ, अगर ये तुम्हें डराएं तो तुम उनको डराओ, तो ये तुम्हें धमकाएं तो तुम उनको धमकाओ? तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं वहाँ सामने खड़ी होती तो मैं ये सवाल करती कि आपके अंदर ख़ुद उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं है, आपकी टांगें थर थर कांपती हैं, आप कहते हैं मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, अगर आपके अंदर नाम लेने की हिम्मत नहीं है तो कौम को क्या सबक दे रहे हैं कि वो उनको ललकारे, उनको डराए, उनको धमकाए? मरियम, आपके दौर में, और फिर वो ये कहते हैं, एक और बात भी देखें, उन्होंने कहा कि ये खबरें टीवी पे आई कि उन्होंने इस चीज़ से उनको बुरा लगा, ये कि उनके जो पार्टी के लोग हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात हैं और वो खुफिया मुलाकातें करते हैं, तो मैं तो पहले सबसे ये पूछूंगी कि वो, उन्होंने कहा कि मुझे बता के मुलाकातें हों, तो आपने कभी पार्टी को बताया कि आप किस किस से खुफिया मिलते और क्या क्या बातें करते हैं? जब धरने में लोगों को आपने 2014 के बाद जो धरना था उसमें आपने लोगों को कहा कि उंगली उठने लगी है, ये हो गया है, वो हो गया है, हम आज़ादी के लिए आए हैं, और जनरल रहील शरीफ ने बुलाया तो हंसते हंसते निकल गए, वो धरने के लोगों को बता के गए थे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ और मैं खुद कहाँ रात को छुप के किसके पास अंधेरे में मुलाकात के लिए जा रहा हूँ? तो अपनी पार्टी से आप वही बात करें जो आप खुद करते हैं,
ये नहीं हो सकता कि जलसों में खड़े होकर आप किसी को ललकारें और रात के अंधेरे में आप अगलों के पांव पड़ जाएं, ये नहीं हो सकता। मरियम, आपके दौर में मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई की जगह खलाई मखलूक और महकमा ज़रात के नाम लिए जाते थे और आपने भी यहाँ खड़े होकर कहा था कि आपके लोगों को टेलीफोन कॉलें आ रही हैं और धमकियाँ आ रही हैं, तो अब जो इमरान खान साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया टेलीफोन कॉलों का, तो आपकी हुकूमत क्या इन टेलीफोन कॉलों के हवाले से कोई तहकीकात करवाना चाहेगी? भाई हमने तो सबूत दिए, नाम भी लिए, सबूत भी दिए और कॉल्स, अब ये जो बात कर रहे हैं, मुझे तो अल्लाह ताला की कुदरत पे कभी बहुत वो भी होता है, इंसान को ख्याल तो आता है कि कल जो कॉल्स करवा रहा था, कल जो ये सारी अखाड़ पिछाड़ करा रहा था, आज अल्लाह ताला की शान है कि वो आज कह रहे हैं मेरे मेंबर्स को कॉल्स आ रही हैं और ये कॉल्स को मना कर दो। और जब तुम लोगों को कॉल्स कराते थे तब हमें तो आती थी कॉल्स, हमें तो धमकियां भी आती थी, लेकिन हमने फेस किया। दो महीने बाद हमारा इनकलाब फौतनी हो गया। इन कॉलों की तर्दीद कर रही हैं आपकी हुकूमत है? भाई मैं तो ये बिल्कुल है, तो सबूत ले आओ सामने, ये एक्स वाई जेड क्या होता है, एबीसी पढ़नी शुरू कर देते हो, है तो सबूत ले आओ ना। पंजाब में कहा जा रहा है कि तहरीक आप जा रही है, कि आपको यहाँ पर इंतहाई शांत तरीके से प्रोटोकॉल दिया जा रहा होता है, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? ये जो आपने पंजाब की बात की, देखे वो अदालती हुकूमत है, वो नाजायज़ हुकूमत है, उसको इंशाअल्लाह ताला एक ना एक दिन ख़त्म होना है, जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर। जी इमरान खान साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के हवाले से तैयारियां सवाल दे दी गई है, क्या आप लोग पावर के जरिए उनको रोकेंगे या फिर कोई डायलॉग या फिर मुज़ाकरात के जरिए मामलात को टैकल डाउन करने की कोशिश करेंगे? देखिए लॉन्ग मार्च हमने भी किए, बाकी जमातों ने भी किए, मैं जमहूरियत की हामी हूँ, मैं जमहूरियत में जमहूरी राय का एहतराम करती हूँ, लेकिन ये बात जमहूरी जमातों के लिए और ये जमहूरी लीडरान के लिए, जो इंसान जत्थे लेकर आ जाए और कभी वो कहे कि प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से निकालो, मार मार के पुलिस वालों की हड्डियाँ तोड़ दें और फिर जनरल राहील शरीफ से मुलाकात करने रात के अंधेरे में हंसता हंसता निकल जाए, और उसके बाद वो जब कहे कि मैं इलेक्शन की डेट लेने आ रहा हूँ तो पूरे इस्लामाबाद को नज़र आतिश कर दे और जो इमलाक हैं उनको नज़र आतिश कर दे और जत्थे लेकर हमला आवर हो कि मेरी बात अगर नहीं मानी तो मैं आग लगा दूंगा, मैं इसको ना जमहूरी जमात समझती हूँ, ना जमहूरी रवैया समझती हूँ, ना जमहूरी लीडर समझती हूँ। उनको लॉन्ग मार्च की ज़रूरत थी, कुछ थी तो उसके एक तरीके होते हैं, आप धमकाने के लिए ये नहीं कर सकते। और फिर वो सारा जो नैरेटिव दिया था उन्होंने कि मेरे ख़िलाफ़ साजिश हो गई, मुझे अमेरिका ने मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर दी, बैनुल अक़वामी साजिश कर दी, आज उन्हीं लोगों को बुला के उनसे मिल रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि मेरे दोबारा से ताल्लुकात जो है वो बहाल कराओ, तो किधर गई वो साजिश जिसके नतीजे में हमने ये इनकलाब देखा था, ग़ुलामी की जंजीरों से आज़ादी, इनकलाब ले कर आ रहा हूँ, तो वो इनकलाब तो राना सनाउल्लाह के डर से निकला ही नहीं। एक सेकंड, और उसके बाद अब आप देखें वो चलता हुआ वहाँ से कि मेरे खिलाफ ख़त आ गया, साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी, इंपोर्टेड हुकूमत आ गई, ये हो गया, और अब क्या बात है, अब आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे आके सारी बात रुक गई कि मेरे पसंद का चीफ अपॉइंट करोगे तो ठीक है, नहीं तो मैं पूरे इंस्टीट्यूशन को जो है वो मलाइन कर दूंगा, उनके चेहरे स्याह कर दूंगा। ये रवैया एक जमहूरी इंसान का रवैया है? मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि ये कोई जमहूरी इंसान का रवैया है कि मेरे पसंद की अगर बंदा नहीं आया तो मैं सबके चेहरे दागदार कर दूंगा। उनमें से ऐसे ऑफिसर्स भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी पूरी जिंदगियां कुर्बान की हैं, दी हैं, कुर्बानियां दी हैं, इस ओहदे तक पहुंचे हैं। तो बात ये, और ये जो के नवाज शरीफ को नहीं अपॉइंट करना चाहिए, जरदारी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए, चोरी चोर क्योंकि वो उनकी चोरी को प्रोटेक्ट करते हैं, तो बात ये है कि अपनी भी इमरान खान साहब की चोरी, वो जो हीरों का हार था वो पकड़ी गई थी, तो असल में ये अपनी चोरियों को छुपाना चाहते हैं, बात और कुछ नहीं। वो याद है ना हीरों का हार जो चोरी हुआ था, तो ये सब जो है ना, ये सब ये ड्रामा है और ये पूरी दुनिया जानती है भाई। इमरान खान बाजवा की मुलाकात होनी चाहिए थी लॉन्ग मार्च के, इमरान खान बाजवा की मुलाकात। भाई मैंने तो यही बात की, मैंने तो बिल्कुल यही बात की है कि जो मुलाकात की है रात के अंधेरों में, अगर की है तो बताओ ना कौम को, अपनी जमात को बताओ, अपनी को कमेटी को बताओ कि मैं किससे मुलाकात करके आया हूँ। तुम बताते हो अपने लोगों को जो वो तुम्हें बताएं? मैंने ये बताया कि राणा सभी ने बताया कि समीर के जब वो आया था एफ
लेकिन तब आपने कहा था कि ये जो हुकूमत आती है वो जाने वाले को लान तान करती है, जो भी हुकूमत आती है पिछले 75 साल से, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा इस कौम को कि उसकी असल मसले की जड़ क्या है। मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ जी, आप कुछ कह रहे हैं इनके हवाले से। आज जब उनका एफिडेविट वाला मामला आया था, सारा कुछ आया था, तो आपने यहीं पे खड़े होकर कहा था ये कुदरत का कानून है, फतह हुई है, सच की फतह हुई है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको अपना माफी मांग लिया, वापस ले लिया, इस पर क्या कहे? देखिए, उन्होंने जो भी किया मुझे नहीं पता उसके पीछे मुहरिकात क्या है, लेकिन एक राणा शमीम की गवाही नहीं है उसमें, उसमें गवाहियों के अंबार लगे हुए हैं, उसमें जो वफात पा गए हैं अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे, जज अरशद मलिक से लेकर शौकत अजीज सदीकी साहब, उन्होंने वो सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, वो सब कुछ की वीडियोस बनी हुई हैं, लोगों ने देखी हैं, सुनी हैं। शौकत अजीज सदीकी साहब ने जो इंकशाफात किए हैं वो उन्होंने लाइव किए थे लोगों के सामने, दुनिया ने सुने, तो आप किस किस की गवाही को जुटलाएंगे? और जिस तरह ये नैब ने फरार इख्तियार किया है मेरे केस में, अभी नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह वापस आएंगे, उनके केस में भी दूध का दूध पानी का पानी होगा इंशाल्लाह, क्योंकि इंसाफ की जीत होके रहनी है। लेकिन फिलहाल जो मेरे केस में नैब की ने जो फरार इख्तियार किया, उसका मतलब यही है कि जो कुछ जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब ने फरमाया था, जो जज अरशद मलिक ने कहा, जो राणा शमीम साहब ने कहा कि वो हू बहू सच है, 100% सच है, उसको कोई जुटला नहीं सकता। वरना वरना अगर कोई सबूत है तो सामने रख। किसी के और वो मैं एक बात बता दूं, वो जिसके लाडले है ना वो इमरान खान को लाडला नहीं समझते, वो अपना काम निकालना चाहते हैं। एक मिनट, मुझे उनका सवाल लेने थे। आपने महंगाई माल के ऊपर बताना था, जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब ने दलित औकात में जो बातें मजहब के बारे में, इस्लाम के बारे में, पुरानी आयात के बारे में वो दिखाई, उसके बाद हमने देखा कि और उन्होंने कहा कि अगर आपने बात करनी होती है तो या तो आप पढ़ के आया करें या इस पर बात ना किया करें। उसके बाद उनके खिलाफ पंजाब में भी दहशत गर्दी की दफा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आज एपी में भी दर्ज कर लिया गया। तो मैम ये बताएं कि वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की इस हवाले से क्या पॉलिसी? मुझे वफाकी हुकूमत और मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी का उस पर मैं बात नहीं करूँगी, मैं अपनी बात करूँगी और मैं सारी कौम की बात करूँगी। बात यह है कि बजाय इसके कि जावेद लतीफ साहब पे मुकदमा बने या बाकियों पे बने, आप अपनी बात तो देखें, आप कह क्या रहे हैं? आप कभी कहते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह से मैं कौम को आज़ाद करूंगा, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक से लोगों को आज़ाद करूंगा, ये आप किस किस्म की जबान बोल रहे हैं? कभी आप कहते हैं कि 140,000 पैगम्बर आए हैं दुनिया में, कभी आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब अपनी सियासी जिद्दोजहद में निकाल लेते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस तरह अल्लाह ताला ने अपना पैगाम देने के लिए नबी नबूवत दी थी, इसी तरह मेरे जिम्मेदारी, आप क्या बातें करते हैं? ये आप क्या ऑल फॉल बक रहे हैं? आपको अंदाज़ा भी है या आपकी मेंटल कंडीशन इतनी ख़राब हो गई है कि आपको ये पता नहीं है? और अगर स्लिप ऑफ टंग भी है तो फिर भी आपको शर्म आनी चाहिए। एक इंसान जो अवाम से ख़िताब कर रहा है, अवाम के जहनों में अपनी बात डाल रहा है, उसको 10 दफ़ा रिहर्स करके, ख़ास तौर पर जब मजहब का मामला आए तो 10 दफ़ा सोच के एक बात कहनी चाहिए, फिर आप स्लिप ऑफ टंग कह के भाग नहीं सकते। तो ये इजाज़त पूरे पाकिस्तान में सिर्फ खान साहब को है कि वो जो चाहे कुफर बकें, ऑल फॉल बकें, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उस पर एतराज़ उठाने वाले को सजा मिलती है या उस पर मुकदमा दर्ज होता है। मैडम एक खातून साहब फौजिया शायद के घर में आज डकैती पड़ी है रात को, उन पर तशद्दुद भी किया गया है मीडिया टाउन में, उसके हवाले से हम चाहेंगे कि आप अपने पार्टी की तरफ से भी कोई मौका जरूर दें। मैं उसकी मजम्मत करती हूँ, मैं राणा सनाउल्लाह साहब से अभी कहूँगी गाड़ी में बैठ के किस केस को टेकअप करे और देखें कि ऐसा क्यों हुआ। परफॉर्मेंस की बात करें, डॉलर ट्रेड करें 240 पे, 3700 रुपए मन गंदम हो गई है, लोगों को रिलीफ देना है, आप इसलिए आए हैं, दोबारा इलेक्शन भी आ रहे हैं, अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, मैं पहले भी इस चीज पे कॉम्प्रिहेंसिवली बात कर चुकी हूँ, मैं उनको बिल्कुल इस चीज में एग्जोनरेट नहीं करती
के बिजली के बिलों में जो इजाफा हुआ है वो आवाम की कुव्वत से बाहर है, उस पर आवाम को बड़ी तकलीफ का सामना करना पड़ा है और पड़ रहा है महंगाई की वजह। लेकिन महंगाई की वजह शहबाज शरीफ साहब नहीं, महंगाई की वजह वो IMF का मुआहदा और इमरान खान की 4 साल की नालायकी और नाअहली है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी आजकल जो है वो इस पोजिशन में है कि उसको ठीक करने की कोशिश के बावजूद भी अभी वो ठीक नहीं हो सक रही। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये जो 4 साल की नाअहली और नालायकी, इसके दूरस्थ नतायज होते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला संभल जाएगी। लेकिन इसका जो जिम्मेदार है, इसका जो मुजरिम है, उसका नाम है इमरान खान। शुक्रिया, थैंक यू।